अक्षय कुमार ने शुक्रवार को उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी आगामी फिल्म ओ माय गॉड 2 का पोस्टर जारी किया। अपने ट्विटर हैंडल पर अक्षय कुमार ने लिखा, कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, हर हर महादेव। इस बीच अक्षय को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। वो सुबह इंदौर एयरपोर्ट से होकर उज्जैन एक सफेद रंग की ऑडी कार में आए थे। इस कार के कांच पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर उज्जैन के एएसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया को कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नियमों के अनुसार गाड़ियों में पारदर्शी शीशे लगे होने चाहिए, ताकि उसमें बैठे लोगों को देखा जा सके। सामने से 70% और किनारे से 50% पारदर्शी होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में 500 रुपए का चालान करती है और ब्लैक फिल्म भी उतरवा देती है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के दौरान पंकज त्रिपाठी भी अक्षय कुमार के साथ ही थे। पंडित आशीष पुजारी ने अक्षय कुमार से पूजा करवाई। मंदिर से निकलने के बाद अक्षय ने अपनी फिल्म का पोस्टर ट्विटर पर जारी किया। इस पोस्टर में अक्षय भगवान शिव की तरह दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आई ओ माई गॉड में अक्षय ने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। अक्षय कुमार की फिल्म की 17 दिन तक यानी 7 नवंबर तक उज्जैन और इंदौर में शूटिंग होनी है। महाकाल मंदिर में भी कुछ दृश्य फिल्माए जाने हैं। महाकाल मंदिर, रामघाट, काल भैरव मंदिर समेत उज्जैन के कुछ अन्य जगहों पर भी शूटिंग होगी। इस सीरीज की पहली फिल्म ओ माई गॉड 2012 में आई थी। ये फिल्म एक गुजराती नाटक पर आधारित थी, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।